टीम इंडिया क्रिकेट कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। सबकी निगाहें इस मुकाबले पर टिकी है, जो अहमदाबाद में 19 नवंबर को खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस हाई वोल्टेज मैच से पहले क्रिकेट फैंस भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मैच की टिकटें बुक कराई जा रही हैं, फ्लाइट की टिकट खरीदी जा रही है, होटल रूम बुक कराए जा रहे हैं। अब जिन्होंने विश्व कप के मैच शेड्यूल निकलते ही ये सब बुकिंग करा ली, वो तो टिकटों और होटल ट्रैफिक में लगी आग से बच गए। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद जागे और अब होटल रूम और फ्लाइट टिकट का किराया सुनकर उनके पसीने छूट रहे हैं। चलिए, फ्लाइट का तो दूसरा इंतजाम किया जा सकता है, बस, ट्रेन या फिर अपनी कार से अहमदाबाद पहुंचा जाएगा। लेकिन अहमदाबाद में रुकने का क्या करेंगे, उसके लिए तो कमरा चाहिए ही चाहिए। लेकिन अहमदाबाद में हालत ये है कि शहर के छोटे बड़े सभी होटलों में 19 नवंबर के लिए बुकिंग हो गई है और जो रूम बच गए हैं उनका एक रात का किराया 1 लाख तक पहुंच गया है। ऐसे में क्रिकेट फैंस ने भी एक नायाब जुगाड़ निकाल लिया है। मानना पड़ेगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए क्रिकेट फैंस किसी भी हद तक जा सकते हैं। अहमदाबाद में मैच देखने आने वाले फैंस जब होटल के कमरे का जुगाड़ नहीं कर पाए तो उन्होंने अस्पताल में ही रूम बुक करा दिया। यानी मैच देखने से पहले वो अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और मैच देखने के बाद रात अस्पताल में ही गुजारेंगे। क्योंकि ये एक अस्पताल है तो जाहिर है कि आपकी सेहत का भी कुछ ना कुछ ख्याल तो रखा जाएगा। इसीलिए अस्पताल में रूम बुक कराने वाले फैंस का फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास के अस्पतालों में क्रिकेट फैंस ने बुकिंग करना शुरू कर दिया है। अस्पताल जितना स्टेडियम के करीब है उसके रूम का दाम उतना ही ज्यादा है। फिलहाल तो अस्पताल के कमरों का रेट 10 से 15 हजार रुपए तक चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में 19 नवंबर को मैच खेला जाएगा। हालांकि क्रिकेट फैंस ने अस्पताल में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक कमरे की बुकिंग करना शुरू कर दिया है। क्रिकेट फैंस के इस नायाब फॉर्मूले ने न केवल होटल रूम के महंगे दामों से छुटकारा दिलाया बल्कि महा मुकाबले के साथ ही अपने हेल्थ चेकअप करा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा जा सकता है।